प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.5 के सवाल नंबर 7 से आगे कराएंगे। 7 तक मैंने लास्ट वीडियो में आपको करा दिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यानपूर्वक समझें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का, यह है आपका 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। लास्ट वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको समझाया गया था a प्लस बी की होल क्यूब और a माइनस बी की होल क्यूब का प्रसार करना। ठीक है, तो ये आपको a प्लस बी या a माइनस बी की होल क्यूब का प्रसार दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। आपको इसे कैसे लिखना है, छोटे रूप में लिखना है, अर्थात बांध कर लिखना है a प्लस बी की होल क्यूब या a माइनस बी की होल क्यूब के रूप में। अब चूंकि बच्चों आप देख रहे हो सारे के सारे प्लस है इसमें, तो ये आपको किस रूप में लिखा होगा, लिखा जाएगा a प्लस बी की होल क्यूब के रूप में। अब आपको चेक ये करना है इसमें a की जगह क्या आएगा, b की जगह क्या आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। बराबर 8a की घात 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात 2 की घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2a की घात 3 प्लस b की घात 3 आपका है ही प्लस। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, आपका जो आपका a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रसार a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब आपके पास में a क्यूब भी आ गया, b क्यूब भी आ गया, अब आप क्या चाहिए तुम्हें, 3ab। देखिए 3 तो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया, a की जगह आपका 2a आ गया और गुना b की जगह क्या आ गया, आपका b आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद होता है a प्लस बी, a की जगह क्या है आपका 2a और प्लस b की जगह क्या है आपका b है। तो जरा ध्यान दें, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है आपकी, देखिए a प्लस बी की होल क्यूब होती है आपकी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही तो होता है। अब जरा ध्यान दें, ये a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab हो गया इंटू a प्लस बी हो गया। ठीक है, तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ये। तो इसी प्रकार अगर आप इसे बांध कर लिखना चाहेंगे a प्लस बी की होल क्यूब के रूप में, तो a की जगह आपका 2a आ गया प्लस b की जगह आपका b आ गया और ये आ गया आपका a प्लस बी की होल क्यूब के रूप में। ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है का पहला पार्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें दिया है आपको सत्यापित कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया है सत्यापित कीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह दिया हुआ है भाई आपको।
तो क्या करना, सत्यापित करना है। देखिए बच्चों, वैसे तो आप जानते हैं ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, अर्थात ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आपने सत्यापित करना है कि ये इसके बराबर आ कैसे गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। ये तो जानते हैं ना, ये वाली साइड कराती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली साइड कराती है आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या लेंगे इसके लिए, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है आपकी, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही तो है। चलिए अब इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये x की मल्टीप्लाई पहले इस सारे में करेंगे, फिर y की सारे में करेंगे। जब x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करते हैं तो क्या आएगा, x की घात 3। क्यों, क्योंकि आधार सेम होने पर घातें जुड़ जाती हैं। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, एक एक्स और एक एक्स, ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है आपका वाई। इसी प्रकार प्लस 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 हो गया, ये एक्स है ये वाई स्क्वायर है, तो क्या आ गया आपका एक्स वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। तो एक्स की हमने इस सारे में मल्टीप्लाई कर दी, अब किसकी करेंगे हम, वाई की। देखिए वाई की करने के लिए सबसे पहले चिन्ह देखते हैं, यहाँ क्या प्लस, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होता है आपका, प्लस ही होता है। वाई की गुना एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, वाई एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्लस माइनस माइनस आएगा, वाई की गुना एक्स वाई में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस 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 क्या बचा, ये वाई स्क्वायर और ये वाई, तो क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर, सॉरी वाई क्यूब, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दें, देखिए ये एक्स की घात 3 का इसके में अंदर कहीं कोई नहीं है, तो सबसे पहले आप एक्स की घात 3 को लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, वाई की घात 3, वाई की घात 3 खाली यही है, तो इसे भी आप लिख देंगे वाई की घात 3। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, ये काय का है माइनस का, और देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई, आगे पीछे लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुना में, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कट गया। इसी प्रकार ये प्लस का है ये माइनस का है, ये भी कट गया, तो बचा क्या आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और आपको सिद्ध क्या करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी तो करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, यही आपको सत्यापित करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है वह भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट भाग है आपका 27y³ प्लस के 125z³ के क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं। चलिए करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में लिख रहा है, बात आती है 27 की और 125 की, इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, 27 को देखिए, 27 को आप लिख सकते हैं 3 * 9 * 27, इसी प्रकार 125 को आप लिख सकते हो 5 * 25 * 125। तो अब आप इसे लिख कैसे सकते हैं, देखिए इसे आप लिख सकते हैं 3y³ और इसे आप क्या लिख सकते हैं 5z³। अब आपको बच्चों बताया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो बताया है। तो आपका ए की जगह क्या है 3y², बी की जगह क्या है आपका 5z, तो खोल दीजिए, तो क्या आ गया a प्लस बी यानी 3y + 5z, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है आपका
3y यानी 3y का स्क्वायर हो गया प्लस ए बी ए की जगह 3y गुना बी की जगह आपके 5z हो गया। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर बी की स्क्वायर की जगह आपका 5z का स्क्वायर हो गया। ये आपने कर दिया ब्रैकेट बंद। अब इसको आप हल्का सा सोल्व कर लेंगे, ये 3y प्लस के 5z लिख सकते हैं आप। इसके बाद 3y का स्क्वायर है तो 3 का वर्ग क्या होता है 9y स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 3 की गुना 5 में करेंगे 3 × 5 = 15 yz हो गया और प्लस 5 का स्क्वायर 25 5 × 5 = 25 z स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको इसी तरीके से करना है। बस उसमें क्या है, ये आपका a प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र बनना है और सेकंड पार्ट में बनेगा आपका a माइनस बी की होल क्यूब का सूत्र। ठीक है, चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 है आपका, गुणनखंड कीजिए। देखिए इसे रब करते हैं, सवाल नंबर 11 है आपका, गुणनखंड कीजिए। सवाल नंबर 11 गुणनखंड कीजिए। देखिए क्या है, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ और जी माइनस के 9xyz। ये है भाई, देखो बच्चों एक फॉर्मूला बताया था मैंने, कौन सा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बताया था ना, क्या होता है ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चेक कर लीजिए, लिखवाया मैंने आपको ये, तो आपको अगर देखा जाए इस रूप में नहीं लिखा हुआ सवाल, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस रूप में सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी मैंने 27 क्या बताया था, 27 3 का घन होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3x³। ये y क्यूब आपका ऐसे ही लिखा है प्लस z क्यूब भी आपका ऐसे ही लिखा है माइनस 3abc होता है 3, a की जगह क्या है तुम्हारा 3x, b की जगह तुम्हारा y और c की जगह आपका z। तो देखिए a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में आ गया। अब आप इसे ऐसे खोल देंगे, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी क्या आ गया आपका 3x प्लस y प्लस z, फिर क्या होता है इंटू a स्क्वायर की जगह क्या आपका 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या आपका y स्क्वायर ही है प्लस c स्क्वायर की जगह क्या आपका z, तो z स्क्वायर आ गया माइनस ab यानी 3x गुना y माइनस bc यानी के y गुना z माइनस ca यानी के z गुना क्या 3x, यही तो आएगा। अब इसे हल कर दीजिए हल्का सा, क्या लिख सकते हैं इसे, ये आपका 3x प्लस y प्लस z ऐसे ही रहेगा। इसके बाद ये क्या आ गया, 3 × 9x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये आ गया आपका माइनस के 3xy और ये आ गया माइनस के yz और ये आ गया माइनस के 3xz और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा, सत्यापित कीजिए। चलिए करते हैं, इसे रब कर देते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या है, सवाल नंबर 12 कह रहा है सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित कीजिए, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके बराबर ये या इसके बराबर आपको ये दिखाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। चलिए राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपकी, एक बटा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जी प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए क्या करना है, इसे तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, एक बटा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र खुला है, क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह तुम्हारा एक्स है, माइनस टू ए बी यानी टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सभी ये आपके फॉर्म में खोल दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसी प्रकार जेड स्क्वायर माइनस के टू जेड एक्स और प्लस के जेड स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला खोल दिए। अब इसे हल कर लीजिए, ये एक बटा दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जी सॉरी ये आपका है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक ये और एक ये क्या हो गया आपका टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और जी जेड स्क्वायर प्लस के टू जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद माइनस के टू एक्स वाई माइनस के टू वाई जेड और माइनस के टू जेड एक्स। अब आप क्या देख रहे हैं, सब में से आपका दो कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या करा, दो भार कॉमन ले लिया, एक बटे दो गुना दो आ गया आपका भार कॉमन, ये बचा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ जब दो भार चला गया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस जेड स्क्वायर, यह माइनस के टू एक्स वाई, ये माइनस के टू वाई जेड, सॉरी दो तो भार आ गया ना, तो एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स, ये बचा। देखिए दो से दो कट गया, क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए किसका सूत्र बन गया आपका, इससे पहले वाले सवाल में मैंने क्या कराया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री एक्स वाई है सॉरी थ्री ए बी सी बराबर किसके होता है, इसके ही तो होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इसी के तो बराबर होता है। तो क्या आप इसे इसके बराबर नहीं लिख सकते जो आपने सवाल में दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, बिल्कुल लिख सकते हैं अगर आपके फॉर्मूला याद है तो, ये किसके बराबर होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के थ्री एक्स वाई जेड और यही क्या आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म होता है। अब इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन 12 के बाद 13 14 और 15 16 बचते हैं, इन क्वेश्चनों को हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।